अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, कोफ्तों के लिए मैंने हाफ के जी चिकन लिया है, एक प्याज, कुछ जवे लहसुन के, अदरक का छोटा सा पीस, दो हरी मिर्चें, धनिया एक बंच, धनिया की 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून, जीरा और 2 पिंच अजवाइन की। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने लहसुन और अदरक को कूटना है, इसे ग्राइंडर में नहीं डालेंगे वरना इसके छोटे छोटे पीसीज रह जाते हैं जर्रे से। इसके अलावा जो चीज़ इसके अंदर डलेगी जिससे ये बाइंड रहेंगे वो है भुने हुए चनों का आटा। जिनके पास ये अवेलेबल ना हो वो इसकी जगह बेसन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसको डालने से इसमें टेस्ट ज़्यादा अच्छा आ जाता है और ये अच्छी तरह से बाइंड भी हो जाते हैं और टूटते नहीं हैं। आपको किसी भी शॉप से इजीली जो है भुने हुए चने मिल जाएंगे, आप उन्हें कूट लें। मैंने भी उन्हें कूट कर, ये देखें, पाउडर फॉर्म में करके इसे छान लिया था। ये 5 टेबल स्पून जो है चनों का आटा है। अब हम सबसे पहले लहसुन और अदरक को कूटेंगे। व्यूअर्स, ये देखिए, मैंने लहसुन अदरक को अच्छी तरह से कूट लिया सिल बट्टे की मदद से। आप लोग भी इसी तरह इसको कूट कर यूज़ करें। अब हम ग्राइंडर लेंगे। अब हम चॉपर की मदद से इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। इस चॉपर के अंदर मैं सबसे पहले ये चिकन ऐड करूंगी। ये मैंने चिकन जो है बोनलेस लिया था, ये देखिए, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसके अलावा आप ये देखिए, एक बंच जो है धनिए का, आप इसमें पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। इनको, मिर्चों को हम काट कर ऐड करेंगे इसके अंदर ताकि ये अच्छी तरह से चॉप हो जाए। इस तरह से प्याज को 4 हिस्सों में काट लेंगे, लहसुन अदरक का ये पेस्ट शामिल करेंगे। ये भुने हुए चनों का आटा, इसके अलावा ये मसाला जात। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन मसाला जात में नमक तो हमने ऐड नहीं किया। नमक इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि जब हम कोफ्ते बनाने लगेंगे, यानी कोफ्तों को सालन बनाने लगेंगे, उस टाइम हम इन कोफ्तों के मसाले के अंदर जो है नमक ऐड कर देंगे। ये देखिए, मैं अब तमाम चीज़ें इसके अंदर ऐड करके इसको ग्राइंड करूँगी। इसको आप इजीली फिर किसी टाइम भी कोफ्ते बना सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप फिर उस टाइम मसाला भी तैयार करें। रमज़ान में वैसे ही हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है। अब हम चॉपर को अच्छी, ये देखिए, इस तरह करके इसको कवर कर लेंगे और अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, मैंने जो है इस मसाले को थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था। अब हम इसके अंदर एक अंडा शामिल करेंगे। आपका मसाला जिस हिसाब से हो आप उसके अंदर 2 अंडे शामिल कर दें, फिर अगर इस मसाला ज़्यादा है आपका। अब हम फिर से इसको ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, हमारा मसाला जो है वो ग्राइंड हो चुका है। ये देखिए, मुलायम सा। अब जब भी हम इसके कोफ्तों का सालन बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हम इसके अंदर क्या डाल देंगे, हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे, हसब ज़रूरत नमक। और लीजिए, हमारे कोफ्तों का मसाला तैयार। ये देखिए, मैंने तमाम कोफ्तों को शेप दे दी है। अब हम इसका सालन तैयार करेंगे। सालन तैयार करने के लिए हम सबसे पहले इसका मसाला तैयार करेंगे। देखिए, मसाला बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ये एक पैन लिया है। इस पैन के अंदर मैं ये ग्राइंडर से चॉप किए हुए जो हैं 2 प्याज, बड़े लार्ज साइज के,
ये शामिल करूंगी। आप चाहें, आपके पास नहीं अवेलेबल ग्राइंडर तो आप जो है इजीली इसको छुरी की मदद से भी कट कर सकते हैं। ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। मैं इसके अंदर आप कुकिंग ऑयल शामिल करूंगी। मैंने एक प्याली इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया और इसको फ्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। व्यूअर्स, ये देखिए प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब हम चूल्हे की आंच को जीरो पे कर देंगे और टमाटर, लहसुन और अदरक के साथ इन प्याजों को ग्राइंड कर लेंगे। व्यूअर्स, ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था तीनों चीज़ों को। मैंने इसके अंदर तीन मीडियम साइज के टमाटर डाले थे। अब हम चूल्हे की फ्लेम ऑन कर लेंगे और इसको 5 से 10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए जो मसाला जात मैं इसके अंदर ऐड करूंगी वो है 1/2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 बादियान का फूल, 6 लौंगे, 1 दालचीनी का पीस और 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था और अब मसाले भी ऐड कर लिए हैं। अब मैं इसकी भुनाई करूंगी। ये देखिए मैं इसकी भुनाई कर चुकी हूँ और भुनाई के दौरान भी मैंने इसके अंदर एक प्याली ऑयल और शामिल की थी। अब इसकी तकरीबन भुनाई हो चुकी है। हम इसके अंदर अपने फ्रीज किए हुए कोफ्ते शामिल करेंगे इस पॉइंट पर। ये देखिए आंच को लो पर कर देंगे। ये तमाम कोफ्ते मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। सहरी में ये सालन बहुत मज़े का लगता है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये सालन कैसा लगा। ये देखिए मैंने तमाम कोफ्ते डाल दिए हैं। अब मैं एक दफ़ा इसके अंदर चम्मच फेरने के बाद इसको ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। व्यूअर्स, ये देखिए सालन को पकते हुए 5 मिनट और हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे।
ये देखिए मैंने इसके अंदर 2 ग्लास पानी ऐड कर दिया है। अब 5 मिनट तक इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे। जो बिगनर्स हैं और फर्स्ट टाइम कोफ्ते का सालन बना रहे हैं वो इस स्ट्रेनर की मदद से इसको यूं करके हिलाएं ताकि कोफ्ते जो हैं वो टूटे नहीं। ये देख सकते हैं आप, 5 मिनट हम और इसको पकाएंगे और 5 मिनट पकाने के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। आप लोगों की हिम्मत नहीं आता, मुझे मिनट में पसीने लगने जाते हो जाते हैं, पसीने नहीं आते, पता नहीं किस चीज का बनाए वो आदत हो जाती है। ये देख रहे हैं आप कि इसमें ये देखिए किस तरह से ये गर्म होना शुरू हो गया पानी हमारा सालन का। जब इसको उबाल आ जाए तो ढककर 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें। आज मैं आपसे बलों वाला पराठा बनाने, बल वाला पराठा कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। इसके लिए सबसे पहले हम इस तरह से पेड़ा बनाएंगे। जैसे हम आम रूटीन में पेड़ा बनाते हैं सादा रोटी बनाने के लिए। इसके बाद इसे हम इसकी छोटी सी रोटी बेल लेंगे। एक पराठा बनाने के लिए हमें 1 टेबलस्पून घी या ऑयल चाहिए। हाफ टेबल स्पून हम इस तरह से इस पर फैलाएंगे जो हमने छोटी सी रोटी बेली थी। इसके बाद हम इसको इस तरह से स्टेप बाय स्टेप फोल्ड कर लेंगे। फिर हम इसको इस तरह से बल देंगे और इस तरह फोल्ड करते हुए हम इसका पेड़ा बना लेंगे। इसे हम 1-2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं बना के। देखिए मैं एक दफ़ा फिर से आपको बना के दिखा देती हूँ। Thank you.
इस पेड़े को खुशका लगाते हुए हम बेलना शुरू करेंगे। अच्छा, कोई भी रोटी या पराठा आप बनाएं तो उसको बनाते हुए अगर आप अच्छी रोटी बनाना चाह रहे हैं, मतलब उसके किनारे वगैरह भी उसके किनारे भी बारीक हों, तो उसके लिए आप उंगलियों के पोरों से इस पोर्शन से कोशिश करें कि आपके हाथ का प्रेशर पेड़े पे जाए। तवे को मैंने गरम कर लिया है। देखिए पराठा हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे।
मुझे तो यकीन नहीं होता मामा, ये देखो ये अभी इतनी ठंडी है, मैंने एक दूसरे के सामने रखी थी, एक दूसरे से चिपक गई है, बर्फ जमी हुई है, चिपकी पड़ी है ना एक दूसरे के साथ। हलीम भी है, आलू गोश्त का सालन भी है। अब हलीम हलीम